हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द टेक्सचुअल पार्ट ऑफ पोएम 3। इन बेड एट नाइट, सी न्यू वर्ड्स। ब्लाइंड्स, BLINDS, ब्लाइंड्स। TWINKLING, ट्विंकलिंग। STAYS, स्टेज। ANYWHERE, एनीवेयर। RESON, रीजन। ACROSS, अक्रॉस। DEAREST, डियरेस्ट। PEEP, पीप। BREAK, ब्रेक। WONDER, वंडर। PERHAPS, परहैप्स। LITTLE, लिटिल। नाउ वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वन, ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स मीन्स कर्टन्स। हमारे घर में हम डोर को और विंडोज़ को कर्टन्स लगाते हैं, उन कर्टन्स को कहते हैं ब्लाइंड्स। डियरेस्ट मीन्स मोस्ट लव्ड, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हो उसे कहते हैं डियरेस्ट। ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग मतलब शाइनिंग ब्राइटली, चमकता हुआ, तेजस्वी। पिपैट मीन्स लुक एट समथिंग क्विकली, किसी चीज़ की तरफ तुरंत देखना। स्टेज मीन्स इज इन सेम प्लेस, उसी जगह पर रुकना। ब्रेक ऑफ डे मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह के जल्दी, सुबह के समय में जल्दी से। वंडर मीन्स थिंक, सोचना। द रीजन्स दिस मीन्स दिस इज बिकॉज, मतलब इसके पीछे क्या कारण है वो उसे कहते हैं दिस इज बिकॉज। परहैप्स मीन्स अ वे ऑफ सेइंग आई एम नॉट श्योर, जब हम कोई बात बताते हैं तो हमें कंफर्म नहीं पता होती है, तब हम कहते हैं शायद ये हो सकता है, तो उस शायद को कहते हैं परहैप्स। अक्रॉस द सी मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द सी, समुद्र के दूसरी ओर, समुद्र के उस पार। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट इज द लिटिल गर्ल डूइंग, लिटिल गर्ल क्या कर रही है। आंसर इज द लिटिल गर्ल इज लाइंग इन बेड, लिटिल गर्ल बेड पर लेटी हुई है। हु कम्स टू पिप एट द लिटिल गर्ल, वेयर डज ही स्टे एट नाइट, लिटिल गर्ल को कौन देखने आया है और वह रात को कहाँ रुकेगा। आंसर इज अ लिटिल ट्विंकलिंग स्टार ही स्टेज इन द स्काई, लिटिल गर्ल को एक छोटा सा ट्विंकलिंग स्टार देखने आया है और वह नाइट में आकाश में रुकेगा। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट हैपन्स एट द ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे मीन्स अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है। एट द ब्रेक ऑफ डे द स्टार डिसअपियर्स, डिसअपियर्स मतलब गायब होना। अर्ली मॉर्निंग में स्टार गायब हो जाता है। व्हाट डज द लिटिल गर्ल थिंक द स्टार डज इन द मॉर्निंग, लिटिल गर्ल क्या सोचती है कि मॉर्निंग में स्टार क्या करता होगा। द स्टार गोज टू पीप एट अदर लिटिल गर्ल्स, वह स्टार दूसरी लिटिल गर्ल को देखने जाता होगा। विच लाइन इन द पोयम टेल्स यू दैट द स्पीकर इज अ गर्ल, देखो पोयम में ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें बताती है कि हमसे जो बात कर रही है वह लिटिल गर्ल है। सो दिस लाइन इज टू पीप एट अदर लिटिल गर्ल्स, इस लाइन से हमें पता चलता है जो हमसे बात कर रही है, जो स्पीकर है, वह एक लिटिल गर्ल है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन बी, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक, ओके।
At night, the girl sees the moon oblique a star oblique the dark sky. रात में लिटिल गर्ल ने क्या देखा था? मून स्टार और डार्क स्काई. करेक्ट आंसर इज अ स्टार. लिटिल गर्ल ने स्टार को देखा था. द स्टार पिप्स एट हाइड्स फ्रॉम प्लेज विद द लिटिल गर्ल. करेक्ट आंसर इज पिप्स एट. सर्कल इट. द स्टार पिप्स एट विद पिप्स एट द लिटिल गर्ल. द गर्ल सीज द स्टार बिहाइंड द क्लाउड्स थ्रू द ब्लाइंड्स अंडर द बेड. गर्ल ने स्टार को कहाँ देखा? थ्रू द ब्लाइंड्स. कर्टन्स के बीच से उसने देखा था. ठीक है, सर्कल इट. नंबर फोर, शी थिंक्स दैट इन द मॉर्निंग ही गोज टू स्लीप गोज अवे टू अनदर प्लेस हाइड्स इन द स्काई. लिटिल गर्ल क्या सोचती है? मॉर्निंग में स्टार कहाँ गया? गोज अवे टू अनदर प्लेस. वह दूसरी प्लेस पर जाता है मॉर्निंग में. सो दिस इज ऑल अवर टेक्सचुअल पार्ट. प्रैक्टिस इट. गुड बाय एवरीवन.